इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर जो आलिजी देश के लाखों छात्रों से जुड़ी हुई एक खबर है। दोस्तों नमस्कार, आपका आज की बड़ी खबरों में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों इस वक्त की सबसे बड़ी मुख्य अपडेट निकल के सामने आ रही है। आप सभी को बता देना चाहते हैं सरकार का बड़ा निर्णय सामने आया है। जी हां, आप सभी को बताएं कि 10वीं बारी की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अभी अभी एक बड़ी अपडेट को प्रसारित किया गया है, जो कि आप सभी को अगले 2 मिनट में आप सभी को पता चलने वाली है। तो साथियों उससे पहले अभी तक चैनल पर हम नया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। जी हां, आप सभी को बताते हैं आज की बड़ी खबर क्या निकल के सामने आ रही। दोस्तों आप सभी को बता देना चाहते हैं सरकार का आज एक बड़ा मुख्य खुलासा हुआ है, जिसमें साफ तौर से विद्यार्थियों के हित में एक बड़ा फैसला लिया गया है। आप सभी को बताएं कि मार्च के तीसरे सप्ताह में 10वीं बारी की बोर्ड परीक्षाओं को आयोजित कराने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से बड़े दिशा निर्देश को प्रसारित किया गया है। आप सभी के पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। वहीं आप सभी को नए प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए फरवरी का महीना निश्चित किया गया है, वहीं प्री बोर्ड परीक्षाओं के लिए जनवरी के लिए। आप सभी को बताएं सभी स्कूलों को आदेश जारी किए गए हैं कि आप लोगों की जो परीक्षाएं होंगी उन्हें जो आप सभी के मार्च के महीने में आयोजित करने से पहले 20 जनवरी तक स्कूल कॉलेज के जितना भी पाठ्यक्रम होता है उन सभी को पूरे तरीके से कंप्लीट करके आप अपना जो भी ब्यौरा तैयार होता है उसकी सूची बनाकर शिक्षा विभाग के पास भेजें। वह स्कूलों में टेस्ट व हाफ ईयरली एग्जाम व प्री बोर्ड परीक्षाएं जो हुई हैं उन सभी चीजों को देखने के पश्चात ही या देखें कि विद्यार्थी कितना बोर्ड परीक्षाओं के लिए तैयार है, उन सभी को देखने के बाद ही 10वीं बारी की बोर्ड परीक्षाओं को निश्चित करने यानी बनाने का आदेश दिया जाएगा। आप सभी को बता रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। सरकार ने बताया कि 10वीं बारी की जो बोर्ड परीक्षाओं का पेपर बनाया जाएगा वो विद्यार्थियों के हित में बनाया जाएगा। वो पेपर की हिंट विद्यार्थियों को 3 दिन पहले हर पेपर के पहले पता चल जाएगी। वहीं अभी से एक बड़ी हिंट को प्रसारित करते हुए शिक्षा विभाग ने कहा है कि 10वीं बारी के जो बोर्ड परीक्षा का पेपर होगा, फिर चाहे सीबीएसई का हो, एसएससी का हो, यूपी का हो या इतिहास अन्य किसी भी बोर्ड का हो, उन सभी विद्यार्थियों का बोर्ड परीक्षा का पेपर जो होगा वो सरकार ने खुद बताया कि 10वीं बारी की बोर्ड परीक्षा का पेपर है वो आप सभी का अनसॉर्ट से बनाया जाएगा यानी क्वेश्चन बैंक से बनेगा। वहीं आप सभी को बताएं सभी जिलों के सभी राज्यों के सभी स्कूलों के नोट्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, इस वजह से आप सभी का नोट से पेपर बनाना संभव नहीं होगा। तो आप सभी को इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही, जो कि सबसे पहले आप सभी के चैनल के माध्यम से पहुंचाई गई जानकारी। अगर आप सभी के लिए अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वहीं आप सभी का समय कम है, वही सरकार ने बताया कहां पे मूल्यांकन विद्यार्थियों को हित में किया जाएगा, वह आप सभी अभी से अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारियों में जुट जाएं। आप सभी के लिए शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी खुशखबरी, सभी से बड़ी अपडेट, अगर अनसॉर्ट को 2014 से लगाकर 2021 तक हल कर लेते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अभी से हल कर ले लीजिएगा। अक्टूबर के महीने से चैनल एसपीएस न्यूज के माध्यम से आप सभी को हल करवाने का तरीका बताएंगे, वह हल कैसे करना, सटीक क्वेश्चन की तैयारी कैसे करना है, इसको लेकर बड़ी जानकारी को हम प्रसारित करने वाले हैं। तो आज सबके वीडियो में इतना, वीडियो की जानकारी।